ब्लू माया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरफ से आज आप लोग को एक बहुत अच्छा बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव डेटा एंट्री काम के बारे में आज आप लोग को मैं बताएंगे, शेयर करेंगे। ये बेसिकली डेटा एंट्री का काम है, डेटा एंट्री एग्जीक्यूटिव का काम है, टोटली इन हाउस काम है। ये एक लॉ फर्म कंपनी के अंदर में है, एक लॉ फर्म है। लॉ फर्म कंपनी के अंदर आपको एज ए डेटा एंट्री बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव पर काम करना पड़ेगा। आपका काम रहेगा डेटा एंट्री करना, यही आपका काम रहेगा। इस कंपनी में स्टार्टिंग में आपको कंपनी सैलरी देगा मिनिमम 14,000 से लेकर 18,000 के अंदर, 14,000 to 18,000 स्टार्टिंग सैलरी है। तो आपका सैलरी एक्चुअली कितना होगा, 14,000 होगा ना, 15,000 होगा ना, 16,000 होगा ना, 17,000 होगा ना, 18,000 होगा, वो डिपेंड करेगा आपका इंटरव्यू के ऊपर। आपका जिस दिन इंटरव्यू रहेगा, इंटरव्यू का दिन आपको कंफर्म कर दिया जाएगा कि आपका सैलरी 17 है या 18 है या 14 है। मिनिमम जो सैलरी है वो आपको मिलेगा 14,000 स्टार्टिंग में मिनिमम। अगर सबसे कम सैलरी आपको मिलेगा तो भी आपको 14,000 तक मिनिमम मिलेगा सैलरी। ये क्या काम करना पड़ेगा, आपको काम करना पड़ेगा डेटा एंट्री। एक लॉ फर्म बहुत बड़ा एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इसमें आपको बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव टोटली इन हाउस काम है, डेटा एंट्री का काम है। नो टारगेट, कोई टारगेट नहीं है, कोई टारगेट बेसिस जॉब है ही नहीं। ये टोटली आपको निश्चित रूप से नो टारगेट बेसिस में आपको काम करना पड़ेगा। कोई प्रकार टारगेट या प्रेशर आपके ऊपर नहीं दिया जाएगा। टोटली आप आंख बंद करके निश्चित रूप से आप ये वाला काम कर सकते हैं। क्या काम है, डेटा एंट्री का काम है। ये काम का लोकेशन है आपको सॉल्ट लेक सेक्टर 5, कलकत्ता सॉल्ट लेक सेक्टर 5 में एक इस काम का लोकेशन है। ड्यूटी आपका रहेगा मिनिमम 9 आवर्स, 9 आवर्स का ड्यूटी है। आपको वीकली वन डे ऑफ दिया जाएगा, हफ्ते में आपको एक करके छुट्टी भी दिया जाएगा। यहाँ मेल फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं, मेल और फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकता है इस काम में। मिनिमम ग्रेजुएशन होना चाहिए, मिनिमम ग्रेजुएशन पास होना चाहिए अप्लाई करने के लिए। मिनिमम ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। एज का जो क्राइटेरिया है वो आपका 20 to 40 के अंदर, 20 to 40 के अंदर कोई भी बंदा अगर एक्सपीरियंस है डेटा एंट्री का, गूगल सीट, लुकअप, एडवांस एक्सेल, एक्सेल अगर ये सब मालूम है, डेटा एंट्री का काम आप कोई कंपनी में किए हैं, आपका एक्सपीरियंस है, तो आप इस काम में अप्लाई कर सकते हैं। इस काम के लिए आप एलिजिबल हैं। गाइज आपको मैं फिर दोबारा दोहरा देता हूँ कि अगर किसी के पास एक्सपीरियंस है, ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन, ग्रेजुएशन बीए पास, ग्रेजुएशन विथ एक्सपीरियंस, लुकअप, गूगल सीट, एडवांस एक्सेल, एक्सेल, पावर पॉइंट, एमएस वर्ड, जितना कुछ है मोटा मोटी डेटा एंट्री का, अगर ये सब के बारे में अगर आपको अच्छा खासा नॉलेज है, आपका एक्सपीरियंस है, तो आप इस काम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मेल फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइज अगर आप लोग इंटरेस्ट है इस काम के लिए, तो इस वीडियो में जो दिया हुआ नंबर, आप नंबर में जाकर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ज्वाइनिंग के लिए सिर्फ 2 दिन टाइम देना पड़ेगा, 2 दिन के अंदर आपका ज्वाइनिंग कंप्लीट हो जाएगा। सिर्फ 2 दिन, 2 दिन के अंदर आपका ज्वाइनिंग कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप करना चाहते हैं तो इस वीडियो में जो दिया हुआ नंबर है, आप नंबर में जाकर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पूरा का पूरा आपको डिटेल शेयर किया जाएगा, क्या टर्म्स कंडीशन है, क्या प्रोसेस है, आपको कहाँ आना पड़ेगा ज्वाइनिंग के लिए, आपको सब कुछ बताया जाएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।